गाइस देखिए मेरी हेयर कटिंग हो चुकी है। इतने बड़े बड़े से बाल थे, मेरे बाल छोटे करवा लिए हैं, बट मुझे कोई इशू नहीं है क्योंकि मैं बहुत दिनों से कराना चाह रही थी। बाल बहुत ज़्यादा टूट रहा था इस वजह से। ये कैसा लग रहा है बाल? अभी कोई मशीन नहीं लगी क्योंकि कल लगेगी, तो आप लोग देखिएगा मशीन तब अच्छा लगेगा। अब तो रोज़ ओपन ही करना है क्योंकि जाड़ा आ गया, तो जाड़े में बांधना कोई ज़रूरी नहीं है। इस वजह से मैंने कटा लिया है। बाल कटने के बाद इतना सारा बाल निकला था, इतना ज़्यादा सा, बहुत सब नीचे पड़ा हुआ था, लेकिन अच्छा लग रहा है। मुझे कटिंग भी अच्छी लग रही है, अच्छा लग रहा है। वैसे ही ओपन रखेंगे। चलिए तो गाइस, हमने उस दिन कहा था ना कि मैं आप लोगों को बताऊंगी मैं अपने हेयर, देखिए मैंने अपनी हेयर कटिंग करा ली है, मेरी हेयर कटिंग हो चुकी है। और मैं अब आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे बाल इतने सिल्की, देखिए कितने सिल्की हैं, सिल्की और इतने शाइनी क्यों हैं, और ये मेरे ब्लैक कैसे हो गए। मेरे बाल जबकि छोटे थे तब हमारे वाइट होने लगे थे, काफ़ी ज़्यादा वाइट हो गए थे, फ्रंट के भी हो गए थे, लेकिन तो हम बहुत परेशान। वाइट हुए किस वजह से थे ये भी सुन लीजिए। मैंने लगा लिया था केश किंग, केश किंग का बहुत ज़्यादा ऐड आता था, तो मैंने केश किंग ऑयल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। इसकी वजह से मुझे केश किंग बिल्कुल भी सूट नहीं किया था। मैंने 5-6 बोतल यूज़ की, मेरे बाल पड़ गए वाइट, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा हो गई टेंशन। मैं 8th क्लास में थी, फिर मैं क्या करने लगी, बहुत ज़्यादा यही यूट्यूब पे देखती थी, बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ यूज़ की, लेकिन कुछ नहीं फ़ायदा हुआ। फिर मेरी मम्मी बोलने लगी, तुम फालतू की चीज़ें लगाती हो, तुम जो है कड़वा तेल ही लगाया करो। मैंने उनकी भी बात नहीं मानी, नारियल का तेल, कड़वा तेल, बजाज, शांति, मतलब बहुत सारे तेल बदले, लेकिन लास्ट में मुझे वही मम्मी का बताया हुआ समझ में आया, कड़वा तेल। कड़वे तेल में कुछ डाल के भी रखा है, देखिए कड़वे तेल में मैंने मेथी, मतलब इस बॉटल में तो यूज़ करने के लिए निकाला है, कड़वा तेल मैंने रखा था, ये सॉस की बॉटल है, मतलब कांच की शीशी में, कांच की शीशी में कड़वा तेल निकाल लो, प्योर हो घर का तो ज़्यादा सही है। और कड़वे तेल को हमें ऐसे ही नहीं यूज़ करना है, इसमें कुछ डालना भी है, तो कड़वे तेल को थोड़ा सा गुनगुना कर लेंगे, खौलाएंगे नहीं, थोड़ा सा गुनगुना कर लेंगे, फिर एक कांच के बॉटल में भरेंगे, प्लास्टिक में नहीं भरेंगे। इसको बाद में भले ही भर सकते हैं, पहले शुरुआत में नहीं भरेंगे। तो कांच के बॉटल में कड़वे तेल को भरने के बाद इसमें करीबन एक मुट्ठी के करीब, 10 रुपये की, आप 10 रुपये की लग सकती है, तो करीबन एक मुट्ठी के करीब आप इसमें मेथी यूज़ कर दें, और कड़वे तेल में मेथी डाल के रखें कब इतनी सी हो जाए, तो फिर इसको कम से कम 10 दिन तक धूप में रख दें, नहीं तो जिस दिन लगाएं मतलब उस दिन ऐसे भी लगा सकते हैं, और फिर धूप में कंटिन्यू रखते जाएं, जैसे आज लगा लिया फिर धूप में रख दिया, वो उसमें यही से कांच की बोतल ऐसे ही रख दे धूप में, ऐसी जगह रखे कि इसको टूटने फूटने ना पाए। सॉस की ले सकते हैं, कांच के मतलब आते भी हैं, मैंने तो ये सॉस की रखी हुई थी उसी को यूज़ कर लिया। फिर मेथी वाला तेल आप जो है सैटरडे को लगा ले शाम को और धुल दें, बाल इतना ज़्यादा सिल्की हो जाएगा, आपको रिजल्ट 1-2 बार में नहीं मिलेगा, वो धीरे धीरे आप लोगों को दिखेगा। और कम से कम मैंने इसको, मेरे फिर भी नहीं सही हुए, 6 महीने लगाया, साल भर हो गया, तो हम चिल्लाने लगे मम्मी से, मैंने कहा मम्मी सही नहीं हो रहे, लेकिन मैंने इसको छोड़ा ही नहीं। मेरे 2.5 साल बाद बाल फिर से जो है वो गिरने लगे, वो गिर गए बाल, फिर जो निकले वो ब्लैक कलर के बाल निकले, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं रियल बता रही हूँ, मेरे पास पहले की पिक नहीं है, वरना आप लोगों को ज़रूर शेयर करती, लेकिन मैं ये रियल बता रही हूँ कि मेरे बाल वाइट हो चुके थे बहुत ज़्यादा, अंदर के तो बहुत ज़्यादा, फ्रंट के भी थे, तो फिर से हमारे इसी रेमेडी से हुए। देखिए मैंने इस शीशी में मेथी डाल के भी रखा है, ये देखिए दिख रहा होगा, जब भी लगाने चलो तो इस तरीके से मिला लेंगे पूरी तरीके से, फिर लेकर बालों को इस तरीके से ऐसे 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 से मसाज कर लेंगे, इस तरीके से पूरे बालों में, पूरे बालों में इस तरीके से मसाज कर लेंगे, जिससे कि जो है बहुत अच्छा लगता है। फिर सैटरडे से संडे को बाल को धुल देंगे अच्छे से, और फिर हमारे बाल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे सिल्की। हमें रोज़ नहीं तेल लगाना रहता, जो लोग रोज़ तेल लगाते हैं उनके लिए उनके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, क्योंकि तेल लगाने से जो है जड़े जो है, जब तेल लगाएंगे आप तो किसी भी चीज़ में अगर नमी आएगी तो थोड़ा सा वो हो जाता है कमज़ोर, तो बालों में जैसे ऑयल लगा लिया फिर उसके बाद तुरंत झाड़ देंगे तो नम होते हैं बाल, इस वजह से टूट जाते हैं। इस वजह से कभी भी बाल लगा के तुरंत झाड़ना भी नहीं चाहिए,
और रोज रोज तेल भी नहीं लगाना चाहिए, रोज तेल लगाने से भी बाल टूटता है। जैसे तेल हमने सैटरडे को लगाया, ओवरनाइट छोड़ दिया और सुबह मॉर्निंग में धुल लिया, और ऐसे 5 दिन चल सकता है, इसलिए रोज तेल नहीं लगाना चाहिए। तो ये देखिए मेथी डाल के रखा हुआ है, तो मेथी डाल के आप तेल रखिए और फिर अच्छे से लगाइए। अगर वीडियो लाइक मतलब पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वरना नहीं। अगर और नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मिल जाए हमारी सारी वीडियो आपको, जैसे ही हम डालें सबसे पहले आप ही को मिले। चलिए, धन्यवाद।